दोस्तों, रक्तदान को जीवन दान कहा जाता है क्योंकि किसी एक्सीडेंट या किसी अन्य वजह से होने वाले ब्लड लॉस का खून के नुकसान की भरपाई करने के लिए रक्तदान से मिला रक्त बहुत काम आ सकता है। दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि कौन ब्लड डोनर नहीं कर सकता। आप जिन दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी वजह से हो सकता है कि आपको ब्लड डोनर करने से मना कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इन्फेक्शन के इलाज के लिए कोई एंटीबॉडिक दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर्स आपको इन्फेक्शन ठीक होने तक और पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक ब्लड डोनेट ना करने की सलाह देंगे। दोस्तों, दूसरा है, टैटू कराने के बाद तुरंत आप ब्लड डोनर नहीं कर सकते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पियरिंग्स या टैटू कराने जैसी टेक्निक जिनमें आपके शरीर में किसी तरह की सुइया या इंजेक्ट की जाती है, इनके बाद आपका ब्लड डोनेट करने की संभावना कम हो जाती है। इस स्थिति में आमतौर पर 4 महीने तक वेट करने के लिए कहा जाता है। टैटू करवाने के तुरंत बाद ब्लड डोनर क्यों नहीं कर सकते? तो हेपेटाइटिस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। अगर आप सर्टिफाइड आर्टिस्ट के पास से आप टैटू कराते हैं और पूरी सावधानी के साथ टैटू दिया जाता है तो हो सकता है कि आपको थोड़े कम समय तक इंतजार करने के लिए कहा जाए, बाद में आप ब्लड डोनर कर सकते हैं। तीसरा है कि वैक्सीनेशन के बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। कुछ वैक्सीनेशन में इन्फेक्शन फैलाने वाले जीवित तत्व होते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को टीका दिया जाता है तो उसे कुछ समय तक रक्तदान करने से बचना होता है। खसरा या मिजल्स, चिकन पॉक्स, सिंगल्स जैसी बीमारियों के लिए टीका लेने वाले व्यक्ति को कम से कम 1 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। कमजोर लोग को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिसका वजन कम हो उन्हें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, यानी कि जिन लोगों का वजन उनकी हाइट के हिसाब से कम है उनका ब्लड वॉल्यूम भी कम होता है। शरीर में कम खून या हीमोग्लोबिन वाले लोगों को रक्तदान करने से बचना चाहिए क्योंकि उनके शरीर में खून निकालने से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। चौथा है, अल्कोहल का सेवन करने वाले लोग। रक्तदान के लिहाज से शराब पीना आपकी एलिजिबिलिटी कम कर सकता है। शराब या अल्कोहल पीने के 2 दिन बाद तक आप ब्लड डोनर नहीं कर सकते। दूसरे भी ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, जैसे कि 18 साल से छोटे और 65 साल के अधिक उम्र के लोग को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए और डायबिटीज के मरीज को भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए और हार्ट डिसीज या थायराइड के मरीज को भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो राजे वाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।